बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.7, जितनी लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 3 का एक क्वेश्चन करवाया था, अभी आज मैं पार्ट 3 को भी कवर करूंगी और मैं इस पूरी एक्सरसाइज को ही कंपाइल कर दूंगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज ये 6.7 का पार्ट 3 और ये क्वेश्चन भी 3 है, ये पेज 219 पे है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये दो टाइप्स हैं यहाँ पे। ये मेरे पास अलजेब्रिक है और ये मेरे पास है इन्वर्स। निमोनिक हमें क्या कहता है? हमें कहता है कि अगर इन्वर्स और अलजेब्रिक दोनों आ रहे हैं तो पहले जो इन्वर्स आ रहा है, ठीक है, पहले इन्वर्स आ रहा है तो इन्वर्स को हम लोग यू लेंगे, बाकी सबको डी वी लेंगे। तो यू मेरे पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट इन्वर्स एक्स। और डी वी मेरे पास क्या हो जाएगा? बाकी सब जो बचता है एक्स और डी एक्स बच रहा है, तो बाकी सब मेरे पास डी वी हो जाएगा, एक्स डी एक्स। तो डी यू मेरे पास क्या हो जाएगा? तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/1 + x2। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि डेरिवेटिव कहाँ से आ रहा है, तो ये बुक का चैप्टर 4 है, उसके अंदर पूरा डेरिवेटिव का चार्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव होगी 1/1 + x2। अब मुझे v चाहिए था तो उसको इंटीग्रेट करूँगा मैं दोनों साइड्स पर, तो v मेरे पास क्या आ जाएगा? जिसके ऊपर पावर है, समझो यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ बना गया, जिस पर पावर है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एक पावर ऐड और वही डिवाइड, तो ये x2/2 आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फार्मूला लगा देंगे x इंटीग्रल ऑफ x टेंजेंट इनवर्स x dx। हमारे पास क्या होता है? u इंटू वी। यू क्या है मेरे पास? टेंजेंट इनवर्स x इंटू वी x2/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। v मेरे पास क्या है? x2/2। और du मेरे पास क्या है? 1/1 + x2, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स x x2/2। कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे इंटीग्रेट करने से पहले, -1/2 इंटीग्रल ऑफ x2/1 + x2। अच्छा, एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है कि जब भी हमारे पास या तो न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, या न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए, दोनों केसेस में हम लोग डिवाइड कराएंगे, डिवाइड करके फिर लिखेंगे, नहीं तो ये इंटीग्रेट नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए दोबारा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर या इक्वल हो या न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो हम लोग डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास इक्वल आएंगे, तो हम लोग क्या डिवाइड करेंगे? यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर आएगा। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक ही कंडीशन में कैंसिल आउट होगा अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x2+1 प्लस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये -1 बच गया। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख के दिखाते हैं किस तरह लिखा जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स x2/2 -1/2 ऑफ इंटीग्रल, किसके लेंगे? सबसे पहले जो नीचे वाला इस तरह होता है, ये कॉन्सेप्ट ये भी आ गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में और साइड वाला नीचे। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको अरेंज किस तरह कर लें, तो ये सर्कल्स की एरोज ड्रॉ कर लें और आराम से हो जाएगा। तो हमारे नीचे वाला ऊपर हमारे पास -1 आ जाएगा, ऊपर वाला साइड में ये 1 आ जाएगा, बल्कि माइनस अगर इस तरह आ रहा है ना तो डायरेक्ट बीच में माइनस कर दो, बीच में माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ गया? 1+x2dx। अब मुझे सिर्फ इसको अलग अलग हर टर्म पे अलग अलग इंटीग्रेशन का लगाऊंगी और उसको इंटीग्रेट कर दूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स x2/2 -1/2। अब ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx। 1 एक जगह से इंटीग्रेट लगा रहे होंगे, एक जगह से dx लगाएंगे, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x2 dx। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स x x2/2 -1/2, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 dx, या इंटीग्रल ऑफ dx हमेशा x होता है, और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x2 टेंजेंट इनवर्स x होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये आ गया प्लस सी। अब मैं एक स्टेप में इसको हाफ को इससे मल्टीप्लाई करा के सोल्यूशन इसका हो जाएगा पूरा, टेंजेंट इनवर्स एक्स x2/2 -1/2 x प्लस 1/2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमारे ये सोल्यूशन हो जाता है इसका। अच्छा, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है।
मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रिजेंबल करे थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 करवा दिया, तो 4 आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन आता है इसका, तो इसलिए मैं ये करवाती हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2x dx अपॉन cos स्क्वायर 2x। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर करते हैं। कॉन्स्टेंट को बाहर किया x dx अपॉन cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अब इसको अब 1 अपॉन cos जो है हमारे पास वो secant स्क्वायर 2x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन cos secant के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x secant स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। तो 2 इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर 2x x dx ये वाला, और 1 अपॉन cos जो था वो secant स्क्वायर 2x के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे इसमें जो है सेलेक्ट करना होगा कि u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है। निमोनिक हमारे पास क्या होता है, LIAT, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये मेरे पास अल्जेब्रिक है। तो अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, इसका मतलब है u जो होगा वो x होगा, बाकी सब जो है वो dv होगा। तो u मेरे पास हो गया x और dv मेरे पास हो गया secant स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब du मेरे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास भी हो जाएगा secant square x का। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा एंगल से, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे अब 2 आ गया तो उसको किस तरह फंक्शन सॉल्यूशन में एडजस्ट करें। अब हमारे पास क्या होता है, secant स्क्वायर x का इंटीग्रल अगर हम लोग ले लें तो वो हमारे पास होता है tangent x के, ठीक है। ठीक है, ये चार्ट में भी होगा, चैप्टर 6 के अंदर जो स्टार्टिंग में एक चार्ट है इंटीग्रेशन का, वो ज़रूर याद करना है। उसी के अंदर सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। secant स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, tangent x होता है। अगर मेरे पास एंगल में 2 आ जाता है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर एंगल में 2 आ गया तो ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे tangent 2x कर दिया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे इसके साथ हमें एक और काम भी करना होगा। अगर देखिए, अगर मेरे पास एंगल्स में जो नंबर है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब है उस नंबर को मैंने जो है डिवाइड में, जब इंटीग्रेशन जब मैं करूँगी तो उस नंबर को डिवाइड में लिखूँगी। जैसे secant square x से इंटीग्रल tangent x होता है, लेकिन secant square 2x होगा तो इसका मतलब है tangent 2x तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो एंगल जो के साथ जो नंबर आया हुआ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं सोल्यूशन में उसको डिवाइड में लिखूँगी। दोबारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि अगर मेरे पास एंगल में कोई नंबर आ जाता है, x नहीं आ रहा, कोई नंबर आ गया 2x आ गया 3x आ गया 4x आ गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड में आ रहा है। अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे इस केस में 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन करूँगी, लेकिन इस 2 को जो है डिवाइड में ऑपोजिट काम करना है, डिवाइड में लिखूँगी। अगर मेरे पास एक और केस हो सकता था, अगर मेरे पास होता, मैं यहाँ पे रफ में बताती हूँ, अगर मेरे पास होता secant स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाता, इसको इंटीग्रेट करना होता, मुझे पता है secant स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tangent x, लेकिन इसका क्या होगा, अब वो ऑपोजिट काम करेंगे, एंगल डिवाइड में आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करने तो 2 tangent x अपॉन 2, ठीक है। एंगल डिवाइड में आ रहा होगा तो हम इंटीग्रेशन करने के बाद उसको ना मल्टीप्लाई में कर देंगे, और अगर एंगल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड में कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 tangent 2x। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है u इंटू वी, x इंटू 1 अपॉन 2 tangent 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू, वी मेरे पास क्या है हाफ tangent 2x, और डी यू मेरे पास किसके इक्वल हो गया dx के, तो मेरे पास हो जाएगा x ये हो गया हाफ tangent 2x, हाफ बाहर आ जाएगा मेरे पास, माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ tangent 2x dx। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग दोबारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हम लोगों ने क्या करना है tangent 2x माइनस हाफ, tangent का इंटीग्रल होता है ln secant x, ठीक है। tangent का इंटीग्रल क्या होता है ln secant x, लेकिन tangent 2x का क्या होगा, 1 अपॉन 2 ln secant 2x, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एंगल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम लोग जो है उसी नंबर को डिवाइड में भी लिखेंगे, किस तरह कि एंगल के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो, तो इसको मैं डिवाइड में लिखूंगी, फिर मैं नॉर्मल इंटीग्रल लूँगी। tangent का इंटीग्रल होता है ln secant x, तो tangent 2x का क्या होगा, ln ऑफ secant 2x, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x हाफ ऑफ tangent 2x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 ln secant 2x प्लस c, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 है।
ये क्वेश्चन है 2x³ e x² dx। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने अपनी ईज के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास सोल्यूशन इसके आसान हो जाए। क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे ये ई एक्स स्क्वायर है, मैं कोशिश करूँगी कि इसको एक्स स्क्वायर कर दूँ। एक्स ये भी अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाए तो जो भी मैं एक्स स्क्वायर को सपोज करूँगी वो यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब दोनों को सिमिलर कर दूँगी। ये ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर है, अगर ये भी मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो सोल्यूशन आसान हो जाएगा। मैं क्या करूँगी कि इसको एक्स क्यूब है, इसको एक्स स्क्वायर डॉट एक्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, वही चीज़ रहेगी ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मैं इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर, और बचा क्या मेरे पास, एक तो मैंने ये लिखा और ये लिखा, बचा मेरे पास 2x है, तो 2x को मैं इधर ले लूँगी 2x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मैंने सिर्फ ये किया कि एक्स स्क्वायर पावर ई रेस्ट पर ई की पावर जो थी वो एक्स स्क्वायर थी, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो मैंने दोनों की पावर सेम कर दी ताकि जो भी मैं सपोज करूँ वो दोनों की जगह लिख दूँ। ठीक है, अब मैं अगर मैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने ले लिया लेट जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी जेड मेरे पास क्या हो जाएगा 2x dx। तो इसको मैं इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर किसकी जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड डॉट ई की पावर जेड डॉट ई रेस्ट पर जेड 2x dx की जगह मेरे पास डी जेड आ जाएगा। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो अब मैं इस पर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों के पास निमोनिक होता है LIAT। यहाँ पे जो Z है वो हमें एलजेब्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z से कंफ्यूज ना हो, Z की जगह अगर X भी होता तो जैसे अगर यहाँ पे ये इक्वेशन की अगर क्वेश्चन की ये फॉर्म होती मेरे पास बन के कि एक्स ई रेस्ट पर एक्स डी एक्स, जब भी हम x को एलजेब्रिक ही कहते हैं तो अगर z आगे कोई भी एक्स वाई जेड जो भी होगा वो एलजेब्रिक में ही आएगा, तो ये मेरे पास एलजेब्रिक हो गया, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल हो गया। एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में एलजेब्रिक वाले को हमने, क्योंकि एलजेब्रिक पहले आ रहा है तो उसको हम लोग u लेंगे, बाकी सबको डी वी, तो u मेरे पास हो गया जेड, u मेरे पास जेड हो गया, और डी वी मेरे पास हो गया, डी वी मेरे पास क्या हो जाएगा ई रेस्ट पर जेड, डी वी मेरे पास क्या हो जाएगा ई रेस्ट पर जेड और डी जेड। ठीक है, अब डी यू क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ वी के लिए वी की पावर मेरे पास हो जाएगी ई की पावर जेड। इंटीग्रेट करते हुए हम लोग इंटीग्रेट में एक्सपोनेंशियल के टर्म्स को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, मैं पहले भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स में अगर यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर होगा तो इंटीग्रेट करते मैं सिर्फ उस नंबर को डिवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर तो है नहीं, तो समझो फर्स्ट करो अगर मेरे पास कोई नंबर नहीं है, वन है, तो वन से डिवाइड करके वन ही आएगा, तो इंटीग्रेट करते हुए ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है UdV, यू मेरे पास क्या है जेड यू इंटू वी जेड डॉट ई जेड माइनस इंटीग्रल ऑफ VdU, वी मेरे पास क्या है ई जेड और DU मेरे पास क्या है डी जेड, जेड ई रेस्ट पर जेड। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन वही चीज़ दोबारा आ गई, ई जेड को इंटीग्रेट करूँगी तो ई जेड ही रहेगी, अगर मेरे पास ई रेस्ट पर अगर मेरे पास होता ना ई रेस्ट पर 2z उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो मैं लिख लेती ई की पावर जेड अपॉन ई की पावर 2z अपॉन 2, क्योंकि नंबर जो भी होता है उसको डिवाइड करा देते हैं इंटीग्रेशन में, तो अब यहाँ पे कोई नंबर था ही तो ये ई जेड ही रहेगा माइनस ई जेड, तो यहाँ से अगर मैं ई जेड कॉमन ले लूँ तो जेड माइनस 1 आ गया। ई जेड एक्चुअली था क्या एंड में, हमेशा जो हमने एक्चुअल क्वेश्चन है उसके टर्म्स में, क्योंकि हमने सोल्यूशन को देना होता है, हमने अपनी ईज के लिए हमने सब्सटीट्यूशन का काम किया हुआ था, सपोजिशन की भी होती है, लेकिन जेड एक्चुअली क्या था एक्स स्क्वायर लिया था, तो ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 + c, ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। अच्छा, 6.7 की हम लोगों ने बेसिस से स्टार्ट किया था, मैंने पार्ट वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया, पार्ट टू मैं पहले ही बता चुकी थी ये नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेलिवेंट सा पार्ट है पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट थ्री की जो है अभी मैंने वीडियो जो आज का जो लेक्चर है उसमें पार्ट थ्री कंपाइल हो गया पूरा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड वो हो गए। अब हमारे पास बचता है पार्ट फोर, जो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पार्ट को कवर कराऊंगी। अब इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछेगा, मैं एक्टिवली रिस्पॉन्स करूँगी, और फॉर
एनी क्यूरीज डू लेट मी नो अबाउट इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.